हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम इन माय चैनल लाइफ इज़ गुड। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जैसे कि मैं वॉक से आ गई हूँ, वॉक में जाते समय मैंने कुछ पिक्चर्स क्लिक की थी प्लांट्स की, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ आज पिक्चर्स को शेयर करती हूँ। 3 दिन लगातार बारिश होने के बाद आज कुछ मौसम अच्छा है और कुछ आज धूप निकली है, तो आज हम सभी की रूटीन, आज हमारे कपड़े क्लीन होंगे। और फिर जैसे मैंने चाय लिया, चाय लेने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट खाया। ब्रेकफास्ट में आज हमने बनाया था चने, और चने को मैंने वेजिटेबल्स ऐड करके, पफ्ड राइस ऐड करके खाया। उसके बाद मैंने तैयारी की आज कुछ मीठा बनाने की। मीठे में मैं बना रही हूँ नारियल के लड्डू। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 4 कोकोनट ले लिए, 4 नारियल ले लिए हैं और उन्हें कस कर दिया है। और इन 4 नारियल में आप ऐड करेंगे 2 पैकेट दूध के, इट मीन्स 1 लीटर आप दूध लेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है और दूध को मैंने बॉयल करने के लिए छोड़ दिया है। दूध आप तब तक बॉयल करेंगे जब तक वो आधा ना हो जाए। इसमें मैंने शुगर ऐड कर दी है और दूध को बॉयल करने के लिए छोड़ा है। फिर हम कुछ ड्राई फ्रूट्स लेंगे, जैसे कि काजू, बादाम, किशमिश और डेट्स, और शुगर है वो। तो हम क्या करेंगे, आप अपने हिसाब से, अपनी क्वांटिटी में आपको जितना ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप उतना लीजिए। फिर हम इन ड्राई फ्रूट्स को कट कर देंगे छोटे छोटे पीसेस में। यहाँ पे मैंने काजू और बादाम को छोटे छोटे पीस में कट कर दिए हैं। साइड में यहाँ पे दूध बॉयल हो रहा है। अब दूध को बॉयल करने के लिए लो फ्लेम में रख देंगे। आप चाहें तो मीडियम फ्लेम में भी रख सकते हैं, बट आपको उसे घुमाते रहना है, नहीं तो हमारा दूध वहाँ पे नीचे लग जाएगा, फिर आपको वो दूध पसंद नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने डेट्स भी काट दिए हैं। आप यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स देख रहे होंगे, डेट्स में से मैंने बीज के बीजे निकाल दिए हैं और डेट्स को भी छोटे छोटे पीस में कट कर दिए हैं। दूध मेरा यहाँ बॉयल हो रहा है और अब मैं दूध में क्या करूँगी, ये 4 कोकोनट ऐड कर देंगे। जैसे कि कोकोनट इसमें ऐड हो गया है और आप इसको घुमाते रहेंगे। पहले आप एक बॉयल आने देंगे, कोकोनट को दूध के साथ उसमें मिक्स कर देंगे अच्छे से, और आप उसे चलाते रहेंगे कि आपका दूध और कोकोनट उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और आप उसे चलाते रहिए, नहीं तो दूध नीचे लग जाएगा। अगेन आप फ्लेम का ध्यान रखिएगा, थोड़ा आप मीडियम टू लो फ्लेम कर सकते हैं, आप फुल फ्लेम में इसे मत बनाइएगा। जैसे कि जो आपका मिल्क है वो धीरे धीरे आपके कोकोनट में एब्जॉर्ब हो रहा है, आप देख रहे होंगे जो दूध है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तब तक आप उसे घुमाते रहिए और 8 से 10 मिनट तक बॉयल होते रहने दीजिए। फिर इसी बीच में अगर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर सकते हैं। आप ड्राई फ्रूट को रोस्ट करके भी ऐड कर सकते हैं। मैंने अभी इस ड्राई फ्रूट्स को ऐसे ही डाल दिया है। ड्राई फ्रूट्स सारे कोकोनट में मिक्स हो चुके हैं और मैंने यहाँ पे सिर्फ काजू और बादाम ऐड किया है। याद रखिएगा किशमिश और डेट्स हमें लास्ट में ऐड करना है, तो यहाँ पे आप किशमिश मत ऐड कीजिएगा, नहीं तो किशमिश पानी छोड़ती है, वो गीला हो जाएगा। तो जैसे हमारे ये फ्लेम बन जाता है और हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, उसके बाद हम किशमिश को और डेट्स को ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें तो रेस्ट ऑफ द ड्राई फ्रूट्स जो आपके पास है आप उसमें डाल सकते हैं। अब आप देखिए दूध पूरा इसमें एब्जॉर्ब हो चुका है और हमारा कोकोनट की जो हमारे स्वीट्स हैं वो बन रहे हैं। तो आप इसे अच्छे से हिलाते रहिएगा और आप कोकोनट का कलर चेक कीजिएगा। मीठा आप अपने हिसाब से बनाइएगा। यहाँ पे मैंने जो मीठा है कम पसंद किया है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हम ड्राई फ्रूट्स, दूध सब डाल रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से मीठा डालिएगा। यहाँ पे मैंने फ्लेम बंद कर दी है और यहाँ पे मैंने किशमिश डाल दिया और डेट्स डाल दिए। अगेन आप इन सबको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि किशमिश और डेट्स सारे उसमें मिक्स हो रहा है। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, तो आप देखिए कि कितना सुंदर कलर आया है इसका। और इसके बाद आप एक थाल में इसे निकाल दीजिए।
बहुत ही ज़्यादा गर्म है अभी, और इनके आप चाहें तो प्लेट में डाल के बर्फ़ी बना लीजिए, बट यहाँ पे मैं लड्डू बना रही हूँ। तो आप गरम गरम लेते जाइए अपने हाथ में और लड्डू के शेप देते जाइए। तो मैंने लड्डू बना लिए और आप देखिए कितने सुंदर ये लड्डू लग रहे हैं। तो मेरे नारियल के लड्डू तैयार हैं जन्माष्टमी के लिए। फ्रेंड्स, आप भी बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसे लगी। चलिए नेक्स्ट डे हमारा स्टार्ट होता है। नेक्स्ट डे मैंने प्लान किया था कि कुछ अनबॉक्सिंग की जाए जैसिका के लिए। उसकी मौसी ने गिफ्ट भेजा था अमेजोन से आर्ट एंड क्राफ्ट का, तो जैसिका ने उसे ओपन कर दिया। बट फिर मैंने बाद में सोचा कि आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करती हूँ। तो आप लोग देखिए कि इस आर्ट एंड क्राफ्ट में इसका प्राइस है 499 और कितनी सारी इसमें चीज़ें आई हैं। जैसिका बहुत खुश थी इन सब चीज़ों को अनबॉक्सिंग करते हुए, और मैं आपसे ये चीज़ शेयर करूँगी कि जैसिका ने ये आपके पास एक मैनुअल आता है उसमें पूरे क्राफ्ट्स बने हुए हैं। जैसिका ने अभी तक उसमें 2 से 3 ट्राई भी कर दिए। तो आप भी अपने बच्चों के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट की ये चीज़ें बाय कीजिए अमेजोन से, और आप एक बार देखिए कि बच्चे कितना इंटरेस्ट लेते हैं इन सब चीज़ों को करने के लिए। मैं चाह रही थी कि मैं ये अनबॉक्सिंग आपके साथ शेयर करूं, और ये बच्चों के लिए, उनके ब्रेन के लिए ये सारी चीज़ें बहुत काम करती हैं उनका मेंटल लेवल चेक करने के लिए। तो जैसिका खुद से वो बनाने लगी थी। फिर शाम के टाइम पे हमने कुछ फ्रूट्स खाए, और फिर जैसिका और मैं शाम को निकल गए जैसिका के लिए शॉपिंग करने के लिए। तो जैसिका और मैं शॉपिंग के लिए गए थे जूडियो, जैसे वहाँ पे सेल लगी हुई थी। तो चलिए मैं आपसे कुछ पिक्चर्स जूडियो की शेयर करती हूँ। और हम बहुत लेट से गए थे और ऐसा लग रहा था कि सेल ऑलमोस्ट फिनिश हो गई है, क्योंकि आप 15 अगस्त तक आपके जितना भी स्टॉक होता है वो पूरा निकल गया रहता है। लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारे यहाँ पे जैसिका के लिए शॉपिंग किया क्लॉथ्स को। मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था जूडियो के लिए, तो जैसिका तो बहुत ज़्यादा खुश थी और वो अपने लिए खुद ही अपने साइज़ के ढूंढी। अगेन नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है, ये डे होता है जन्माष्टमी का, और जैसे कि मैंने अपने चाय के साथ अपना दिन स्टार्ट किया। आज हम प्रैक्टिस करेंगे और आज जन्माष्टमी है, तो जैसिका फ्री है। हाँ, जैसिका ने ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर दिया है, और मम्मा पहले रेडी हो जाती है फिर जैसिका के लिए तैयारी करती है। तो चलिए मिलते हैं हम सभी। जैसिका के स्कूल्स थे तो वो बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर पाई थी, तो उसने सिर्फ एक दिन रात को और मॉर्निंग सेकेंड डे जन्माष्टमी के दिन प्रैक्टिस की। तो आप देख रहे हैं वो अपने फ्रेंड के साथ प्रैक्टिस कर रही है। हेलो ऑल, यहाँ पे आज जन्माष्टमी की तैयारी चल रही है और हम शाम को देखेंगे कि कैसे प्रोग्राम और जन्माष्टमी की चीज़ें तैयार हो रही हैं, और बहुत ही अच्छे से प्रोग्राम होने वाला है। तो चलिए शाम को मिलते हैं और देखेंगे कि प्रोग्राम की तैयारी कैसे हम सभी को। हाँ, जैसिका यहाँ पे है और जैसिका यहाँ पे खेल रही है अपनी फ्रेंड के साथ, और हम शाम को यहाँ पे आने वाले हैं। और यहाँ बहुत ही सुंदर नज़ारा है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे जन्माष्टमी की तैयारी स्टार्ट हो गई है, कुछ क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ देखिए। इसे काफ़ी अच्छा है और ऐसा लग रहा है कि आज बारिश नहीं होगी। देखते हैं कि आज कैसा लगने वाला है यहाँ शाम को। हेलो ऑल, जैसे कि आज जन्माष्टमी का दिन है तो आज के दिन तो बारिश होनी है, बट मॉर्निंग से मौसम आज ऐसा था कि मुझे लगा नहीं था आज बारिश होने वाली है। तो चलिए मैं आज आपको यहाँ का मौसम दिखाती हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे पीछे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, और जैसे कि हमेशा जन्माष्टमी में बारिश होती है, बट मॉर्निंग से आज जो मौसम था तो मुझे लग नहीं रहा था आज बारिश होगी, बट यहाँ के फील मैं आपको बता रही। हेलो एवरीवन, तो आज जन्माष्टमी है और नीचे कॉलोनी में प्रोग्राम है। आज जैसिका की नीचे डांस है, तो चलिए हम देखते हैं कि जैसिका की डांस आज कैसी रही, और ये रहा मेरा आज का लुक। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जैसिका की डांस आप लोगों को कैसे लगी, और चलिए मिलते हैं बाद में।
यहाँ पे कुछ पिक्चर्स मैं जैसिका की आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जैसिका कल बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, बच्चे बहुत इंटरेस्ट से सारी चीज़ें करते हैं आजकल, पेरेंट्स को भी उतनी ही एक्टिवली बच्चों को सारी चीज़ें करवानी चाहिए। और यहाँ पे जैसिका ने परफॉर्म किया था वो किसना है सॉन्ग पे, जिसकी क्लिप मैं आपको 20-15 सेकेंड्स की शेयर कर रही हूँ। उसके बाद प्रोग्राम हुआ कृष्ण हांडी का, बच्चों ने यहाँ पे ट्राई किया था मटकी फोड़ने के लिए, वो क्लिप्स मैंने आपके साथ शेयर किया और इसी के साथ हमारे जन्माष्टमी दिन। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं और आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और मुझे आप बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसे लगा, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए बाय फ्रेंड्स।